सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आप लोग के लेकर आए हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से पैशन एक्सट्रेक, ये देख सकते हो बाइक। एंड इस बाइक में कौन कौन से कलर ऑप्शन अवेलेबल है सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड इस बाइक की ऑन रोड क्या प्राइस आ रही है, एक शोरूम क्या प्राइस है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो पहले इस बाइक का आपको ओवरऑल लुक चेकआउट कराते हैं, थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय करो पहले, एंड उसके बाद आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, बाइक को राइड भी करेंगे, राइड करके रिव्यू करेंगे बाइक को, एंड ओवरऑल आपको बताएंगे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है इस बाइक की। तो चलो गाइस बिना लेट के पहले आप एंजॉय करो सिनेमैटिक्स, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे वीडियो में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Guys, I hope अपने सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। एंड अब आते हैं इस बाइक के फीचर्स पे, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल इस बाइक में वो आपको बताते हैं। तो चलो सबसे पहले आते हैं इस बाइक के हेडलैम्प्स पे। तो इस बाइक के हेडलैम्प्स में मिलते हैं आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल भी देखने को मिलते हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। एंड इस बाइक की जो हेडलाइट की विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी कि आपको रात में भी ना राइड करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस बाइक को आप लेकर रात में भी राइड करते हो तो कहीं भी आपको विजिबिलिटी में परेशानी नहीं होगी। इस बाइक में आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि इस बाइक को राइडर के फोन से कनेक्ट करता है। एंड साथ ही साथ आपको कॉल और एसएमएस का इसमें अलर्ट भी देखने को मिलता है इसके स्क्रीन पे। जैसे आपको फोन पे कॉल या एसएमएस आएगा तो आपको उसका अलर्ट यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप राइड करने टाइम ना फोन को बिना निकाले यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो आपके फोन पे एसएमएस या कॉल आ रहा है। इस बाइक में आपको आता है फुली डिजिटल मीटर, जो इस बाइक के लुक को और प्रीमियमनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस बाइक के मीटर में आपको देखने को मिलता है ये रहा स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको ओडोमीटर देखने को मिल रहा है, ये रहा फ्यूल गेज, यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने ऑन कर दिया टर्निंग इंडिकेटर, ये रहा हाई बीम इंडिकेटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंजन मैन फंक्शन का, यहाँ पे I3S टेक्नोलॉजी, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज I3S, यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट एवरेज भी आप चेक कर सकते हो, क्या एवरेज आपकी इस बाइक की आ रही है। तो ओवरऑल इस टाइप का पूरा आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, और इस मीटर की वजह से इस बाइक का लुक को ना और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो अब आते हैं आगे इसके सेफ्टी फीचर्स पे, इस बाइक में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिला है। तो अब आते हैं इस बाइक के सेफ्टी फीचर्स में, राइडर के सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस बाइक में आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिले। लाइक इस बाइक में आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, विच मीन्स कि अगर आपकी बाइक की साइड स्टैंड लगी पड़ी रहेगी ना तो जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे और गियर में डालोगे तो ऑटोमेटिकली बाइक बंद हो जाएगी। एंड इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है, ये अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ ये ड्रम ब्रेक वेरियंट है, तो इसका एक और वेरियंट आता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस बाइक में आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, मतलब कि आपको जैसे बाइक में फ्यूल लो हो गया आपको उसके स्पीडोमीटर में, यहाँ पे आपको मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे इंडिकेशन हो जाएगा सो दैट आपके बाइक में फ्यूल लो है और आप जाके इसमें फ्यूल अप करा लो, जिसकी वजह से ना आप आगे कभी रास्ते में फंसोगे नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर। तो इस तरह के कई सेफ्टी फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। तो गाइज अब आते हैं इस बाइक के इंजन पे, इस बाइक में आपको मिलती है 113 सीसी की इंजन, और हाई टॉर्क के डिमांड में देखते हुए इसमें आपको मिलती है 9.79 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 5000 आरपीएम, जो कि आपको काफी हेल्प करती है बाइक को हाईर पुलिंग में एंड बाइक की कैपेसिटी को पुलिंग में काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और पावर की बात की जाए तो ये बाइक डिलीवर करती है 9.02 bhp एट 7500 rpm, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सलेशन प्रोवाइड करती है इस बाइक को, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी टॉर्क भी आपको मिलती है इस बाइक में। और आपको इस बाइक में मिलती है एक्सेंस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, जो कि आपके इंजन को एक्सेलेंट फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है। तो इस बाइक में आपको मिलता है हीरो का I3S टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये देख सकते हो I3S, एंड इसको ऑन ऑफ करने के लिए ना यहाँ पे आपको स्विच भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये I3S के लिए स्विच दिया है, इसको आप टर्न ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको राइड कर रहे हो ना ड्यूरिंग राइड आप इसको ऑन कर लो, एंड ये बहुत ही अच्छी फीचर जो कि आपके फ्यूल इकोनॉमी को ना और भी ज्यादा बढ़ाता है, आपके फ्यूल को सेव करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये I3S टेक्नोलॉजी इस बाइक का फ्यूल को कंजम्पशन को और भी कम करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे और जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकोगे ना तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल कर देना बाइक को एंड ऑटोमेटिकली क्लच छोड़ देना, तो विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। एंड आपको बिना सेल्फ लिए आप सिर्फ क्लच को जैसे दबाओगे, आपको मैं अगर भी करके दिखाता हूँ तो चलो मैं आपको भी बता दूँ ये I3S टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बटन में हमने ऑन कर रखा है I3S वाले बटन को, एंड ये हमने बाइक में कर दिया सेल्फ एंड बाइक स्टार्ट हो चुकी है। सो जस्ट हैव अ लुक बाइक को, मस्त आराम से राइड करके जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हम बाइक को रोकेंगे न्यूट्रल कर देना और क्लच हम लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, एंड उसके बाद हम लोगों को बस कुछ सेकंड वेट करना, ऑटोमेटिकली बाइक जो है वो ऑफ हो जाएगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक है वो ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्लच दबाना है, तो हमने क्लच दबाया एंड बाइक फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इस तरीके से कुछ i3s टेक्नोलॉजी इस बाइक का वर्क करता है, जो कि आपके फ्यूल को ना काफ़ी सेव करता है ड्यूरिंग ट्रैफिक्स। एंड अब आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक USB चार्जिंग पोर्ट, जो कि इस बाइक में मिलता है इनबिल्ट USB चार्जिंग सपोर्ट मिलता है इस बाइक में, जिसके थ्रू आप ड्यूरिंग राइड्स मतलब बाइक को राइड करते हुए ना आप अपनी फोन को चार्ज कर सकते हो। तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप लोग डेली यूज करते हो बाइक को, काफी ज्यादा आपका रन है बाइक को, काफी ज्यादा राइड करना है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। आपको यहाँ पे बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे पे किए आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यूजिंग USB चार्जिंग केबल अपनी फोन को आप चार्ज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के आपको USB चार्जिंग फीचर भी आपको इस बाइक में अवेलेबल मिलती है। तो ओवरऑल आपने देख लिया काफी सारे फीचर्स के साथ ये लोडेड है बाइक। एंड अब मैं आपको इस बाइक के साथ कुछ और भी पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा। तो इस बाइक में आपको मिलती है 5 ईयर्स की सर्विस वारंटी एंड एज यू गाइस नो दैट हीरो है, तो भाई कोई ट्रस्ट का इशू है नहीं। एंड अब आपको प्राइस की बात करूंगा, तो भाई ये जो मैं बाइक राइड कर रहा हूँ ये है ड्रम ब्रेक वेरियंट, तो इसकी जो प्राइस आपको आती है एक्स शोरूम प्राइस वो है 78,058 रुपीज। एंड इसका जो डिस्क वेरियंट आता है उसका प्राइस है 81,783 रुपीज एक्स शोरूम। अब आते हैं इस बाइक की कलर स्पेस में, आपको 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। ये सामने जो आपको लगा पड़ा है ये है ब्लैक विथ 4 सिल्वर, इसमें आपको साथ ही साथ मिलता है ब्लैक विथ पॉलिस्टर ब्लू। एंड इसका जो तीसरा कलर है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, दैट्स कैंडी ब्लेजिंग रेड। तो 3 कलर ऑप्शन आपको मिलता है इस बाइक में। तो गाइज आई होप आप बाइक के ओवरऑल लुक को चेकआउट कर चुके हैं एंड बाइक की स्पेसिफिकेशन सारा कुछ जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। एंड बाकी की कुछ जो बातें वो आपको बाइक राइड करते हुए समझाएंगे, क्योंकि बाइक जब तक राइड नहीं करेंगे तो गाइज आई होप आपको मैंने जितना कुछ अभी समझाया बाइक के बारे में स्पेसिफिकेशन एंड ओवरऑल लुक जो आपको मैंने चेकआउट करा, आपको सिनेमैटिक्स वगैरह सब कुछ आपको पसंद आएगा, सब कुछ समझ में आएगा इजिली। एंड बाकी की जो बातें वो आपको बाइक राइड करते हुए समझाएंगे। तो गाइज बिना लेट के मिलते हैं आप लोगों से ऑन GoPro एंड बाकी की बातें आपको करेंगे ऑन बाइक। तो गाइज अब आ चुका है वक्त इस बाइक को राइड करने का। ये इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 की इस तरीके की मिलती है, तो चलो बाइक को अब राइड करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। भाई कुछ इस तरीके से ऐसे बाइक टर्न ऑन होती है, देख सकते हो ऐसा कुछ मीटर का लुक आ रहा है। हेलो माय हीरो का यहाँ पे देखो बैजिंग किया गया। सो नाउ इट्स टाइम टू राइड द बाइक। एंड इस बाइक में आपको मिलते हैं 4 गियर, देख सकते हो भाई चारों के चारों पीछे है। एंड यहाँ पे आपको मोड का बटन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी को चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके का लुक है बाइक की एंड डैशबोर्ड लुक कुछ इस तरीके का बाइक का काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्यारा सा दिख रहा है। तो इस बाइक को ना थोड़ा स्पोर्टी और थोड़ा यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग लेना थोड़ा स्लीक बनाया गया, देख सकते हो टैंक का भी लुक काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको पैशन की बैजिंग दी गई है। तो अभी चलो इस बाइक को राइड करते हैं। मुझे ना इस बाइक का सीट काफ़ी कंफर्टेबल लगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड काफ़ी अच्छी कुशनिंग की गई इसकी सीट में। तो ड्यूरिंग राइड्स ना आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है इस बाइक के सीट पर। तो आई होप आपको गाइस ओवरऑल बाइक का लुक पसंद आया होगा। तो जिन किन्हीं को भी ना इस बाइक का टेस्ट राइड लेना है तो आप जाकर इस बाइक को टेस्ट राइड ले सकते हो किसी भी हीरो मोटोकॉर्प के डीलरशिप से, या फिर आप इसकी टेस्ट राइड ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर आप इस बाइक की टेस्ट राइड बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको ये बाइक पसंद आई तो आप जाकर इस बाइक को परचेज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। एंड ऐसे अपकमिंग और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय गाइज एंड राइड सेफ, ride hard.